हाई स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर सुपर क्विक रिविजन सीरीज नाउ दिस लेक्चर कंप्लीट लेक्चर इज मुंडू बी देर ऑन लर्निंग कर्व शुरू में हम लोग कंसेप्ट वाइज बात करेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन वाइज बात करेंगे ऑल दो मेनी क्वेश्चन जस्ट ग्रुपिंग हो गई है क्योंकि शायद हर क्वेश्चन के नए इतना ज्यादा कुछ नया नहीं आया था ओके सो आइट स्टार्ट ऑफ विद की लर्निंग कर्व का कंसेप्ट क्या होता है वेन एवर द वर्कर्स कीप ऑन वर्किंग देर स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग They try to learn from their past mistakes, and every subsequent unit will take lesser time as compared to the previous unit. This tendency of doing the jobs faster is popularly called as learning curve. Now, learning curve is a mathematical model. Somebody has made it, and we have to exactly implement it in the same way as it was being made. Okay, so few things. लर्निंग कर्व कंसेप्ट अप्लाइज वेयर लेबर वर्क विद टाइम एंड एक्सपीरियंस वर्क स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंटली ईच यूनिट टेक्स लेसर टाइम एज कंपेयर टू द प्रीवियस यूनिट ठीक है अभी हाउ डज लर्निंग कर्व अप्लाई तो यहां पे एक छोटा सा एक टेबल दैट आई हैव डन लर्निंग कर्फ कैसे काम करता है जब भी लर्निंग कर्व यहां पे आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा आपको लर्निंग कर्व का एक परसेंटेज दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे वो वाला परसेंटेज सपोज आप लोग को 90 परसेंट दिया हुआ है ठीक है अभी आपको थ्री कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी क्यूमलेटिव यूनिट्स उसके बाद एवरेज uh, आर्स जिसको हम लोग वाई uh, बोल देते हैं और उसके बाद इन दिस केस टोटल आर्ट जिसको हम लोग एक्स वाई बोल देते हैं क्योंकि दिस इनटू दिस विल बी गिविंग यू टोटल आर्स हियर तो क्यूमुलेटिव यूनिट्स का सिंबल एक्स है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंटायर चैप्टर एवरेज आर्स का सिंबल वाई है मल्टीप्लाई करके अपने को टोटल आर्ट्स मिल जाएगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सिंबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट यूनिट ज बी रेफर टू एज ए फॉर दर्पज ऑफ दिसम रिक्वाड फॉर फर्स्ट यूनिट मेरे को हर क्वेश्चन के लिए ए वाला फिगर चाहिए वरना मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा ठीक है तो सपोज आप लोग के पास क्वेश्चन के अंदर एज हंड्रेड आवर्स एक्साम्पल के तौर पर लर्निंग कर्सेंटेज नाइनटी दिया हुआ है तो लर्निंग कैसे काम करता है ऐसे काम करता है वेन एवर दिल डबल वी अप्लाई दिस परसेंटेज टू एवरेज आवर्स दे फोर हंड्रेड का नाइनटी परसेंट बोले तो नाइनटी आर्स वेन आईव रिटर्न इट मीन टू यूनिट्स ऑन एन एवरेज विल टेक इट नॉट मीन दैट फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिटी आर सी नो बिकॉज फर्स्ट यूनिट विल स्टिल टेक हंड्रेड आवर्स तो सर फिर सेकेंड यूनिट कितना टाइम लेगा हाँ उसके लिए आप लोग एक काम जरा करो टू इंटू नाइनटी दिस विल बिकम वन एटी फर्स्ट यूनिट विल टेक हंड्रेड आवर्स टू यूनिट्स विल टेक वन एट्टी आर्स

पहले आप 81 वन इंटू कर दो तो ये आ जाएगा कैलसी के ऊपर 324 ट्वेंटी फोर ओके नाउ फोर यूनिट्स इन ऑल विल बी टेकिंग 324 ट्वेंटी फोर आवर्स उसके फर्स्ट यूनिट विल स्टिल यूनिटी टेकिंग कितना आवर्स हंड्रेड आवर्स सेकेंड यूनिट विल बी टेकिंग कितना आवर्स 80 आवर्स अगर कोई मेरे को ऐसा पूछेगा सर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट टुगेदर विल टेक कितना आवर्स आई कैन सब्ट्रैक दिस एंड दिस लेकिन अगर कोई मेरे को ये पूछेगा सर ये बताओ ना थर्ड यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा तो फिर ना थ्री जो होता है ना बेटा वो सीरीज के अंदर नहीं आता तो सीरीज मतलब वन टू फोर एट मतलब डबल वाला सीरीज ठीक है तो थ्री जो होता है सीरीज के अंदर नहीं आता अगर कोई चीज सीरीज के अंदर नहीं आता उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है आपको ये वाला फिगर चाहिए ना वाई का तो वाई का फॉर्मूला होता है ए, ए एक्स रेस टू बी ओके ना एक्स रेस टू बी आगे जाके आई टेल यू कि ये वाला चीज अप्लाई कैसे करने का इन एनी केस सुनो मेरी बात आप लोगों को वाई चाहिए सो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आप लोग को चाहिए

अगर मेरे एग्जाम्पल के अंदर लर्निंग कर्व का परसेंटेज 90% परसेंट है ठीक है सो देअ फोर इन दिस पर्टिकुलर केस बी यहां पर जो है वो कंप्यूट कैसे होगा बी विल बी नथिंग बट लॉग ऑफ 0.9. तो 90% परसेंट मतलब 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग टू लॉग्स कैसे वो देखने का पांच मिनट के बाद आगे एक बार आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और वो भी कैसे यूज करने का आई ब्रीफ यू ऑल अबाउट ठीक है आप लोग राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो आप लोगों को वाई मिल जाएगा जितना भी वाई का आंसर आएगा थ्री से मल्टीप्लाई कर लेना आप लोगों को वाला फिगर मिल जाएगा अगर कोई मेरे को ऐसा बोलेगा सर थर्ड यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा सो थर्ड यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा दैट विल बी आरस रिक्वायर्ड फॉर थ्री यूनिट्स माइनस द आर्स रिक्वायर्ड फॉर टू यूनिट्स ठीक है आरस रिक्वायर्ड फॉर थ्री यूनिट्स माइनस द आर्स रिक्वायर्ड फॉर टू यूनिट्स सो दे फोर यहां पर एक बार आंसर वो मिल गया माइनस वन एटी कर लेना तुम लोग को आंसर मिल जाएगा एक और चीज कोई बोलेगा सर विल बी द दर्स रिक्वायर्ड फॉर द फोर्थ यूनिट आर्ट रिक्वायर्ड फॉर द फोर्थ यूनिट विल बी आर्ट रिक्वायर्ड फॉर फोर यूनिट माइनस द आर्ट रिक्वायर्ड फॉर थ्री यूनिट सो दैट्स हाउ दट सॉ बी गेटिंग द आंसर यहां पर डायरेक्ट आंसर आर नॉट पॉसिबल ठीक है आप लोग को ऐसा ही काम करना पड़ेगा सेम वे फाइव जो है वो सीरीज के अंदर नहीं आता है तो आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा वाई इजल टू ए एक्स इज टू बी ऑल्दो यहाँ पे अभी x का वैल्यू फाइव हो जाएगा क्योंकि आपको फाइव मिनट्स के लिए आंसर चाहिए अच्छा सिक्स के लिए आप लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो वरना एक चीप ट्रिक भी बोल सकता हूँ एंड दैट चीप ट्रिक आई हैव टोल्ड यू जो आई से यूज नहीं करता सिक्स इज डबल ऑफ थ्री फ सिक्स इज डबल ऑफ थ्री इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पर वेन एवर द प्रोडक्शन मिल डबल अप्लाई लर्निंग कर तो अगर ये वाला आंसर तुम्हारे पास था आप लोग उसको नाइनटी परसेंट से मल्टीप्लाई कर लेना तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा फिर आपको यहां पर फॉर्मूला की भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा ये वाला आंसर में कुछ भी एक नंबर यहाँ पे तो वो लिखता हूँ सपोज यहाँ पे जो आंसर है एट्टी फाइव आया इन रियालिटी कुछ और ही आएगा लेकिन अगर एट्टी फाइव आया तो

वेन नॉट टू यूज अ फॉर्मूला उससे पहले शायद अच्छा नहीं ठीक है तो पॉइंट नंबर थ्री वेन नॉट टू यूज अ फॉर्मूला फार्मूला कब यूज नहीं करने का फॉर्मूला तब यूज नहीं करने का वेन थिंग्स आर इन सीरीज और थिंग्स आर डबल ऑफ सम अदर फिगर दैट यू ऑलरेडी हैव तो मेरे को टू के लिए फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि टू इज डबल ऑफ वन फोर के लिए यूज करने की जरूरत नहीं फोर इज डबल ऑफ टू एट के लिए यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एट इज डबल ऑफ फोर वैसे ही सिक्सटीन थर्टी टू ये सब के लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं है ऑनेस्टली सिक्स के लिए यूज करने की जरूरत है लेकिन अगर आपके पास थ्री वाला फिगर होगा तो सिक्स इज डबल ऑफ थ्री तो फिर तुम्हारा काम डायरेक्टली हो सकता है सो दे फोर वेन नॉट टू यूज अ फॉर्मूला वैन द नंबर्स आर इन सीरीज वेन टू यूज अ फॉर्मूला वेन इन दिस केस द नंबर ऑफ यूनिट्स आर नॉट इन सीरीज ठीक है नंबर ऑफ यूनिट्स आर

लॉग टेबल्स कैसे देखने का पांच मिनट के बाद आगे फॉर्मूला फॉर प्रोडक्शन सॉरी फिर उसके बाद एक्स वाई इज टोटल आर्स और हमारा लास्ट वाला कॉलम ओके फॉर एक्स यूनिट ठीक है आगे अभी अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है ध्यान से जरा सुनना दैट कंपनी डज अ प्रोडक्शन इन बैचेस एंड हंड्रेड यूनिट्स इज इक्वल टू वन बैच तो अब जरा याद रखना तुम्हारा जो x है ना पहले स्टूड फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स बट नाउ ना विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बैचेस क्योंकि प्रोडक्शन बैचेस के अंदर हो रहा है ठीक है तो यहां पे अभी फिर जो formulas हैं वो वही रहेंगे लेकिन बस x का मतलब बदल गया तो एक मिनट अभी y का मतलब क्या हो जाएगा एवरेज आर्स और कॉस्ट पर बैच फॉर एक्स बैचेस क्योंकि नाउ एक्स विल नॉट बी बेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बैचेस ए का मतलब क्या हो जाएगा आरस द फर्स्ट बैच एक्स का मतलब नंबर ऑफ बैचेज और क्यूमुलेटिव बचेज बी का मतलब इन दिस केस लर्निंग ऑफ इंडेक्स दैट इज लॉग ऑफ लर्निंग ऑफ डिवाइड लॉग टू वो तो वही रहेगा एक्स वाई का मतलब टोटल आर्स और कॉस्ट फॉर एक्स बैचेस ठीक है उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट आर्स और कॉस्ट इट कुड बी कॉस्ट ऑल्सो फॉर सम मिडल यूनिट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने ना दस यूनिट बना लिए ठीक है कंपनी ने दस यूनिट बना लिए और फिर कंपनी ने सोचा दो और यूनिट बनाएंगे ठीक है दो और यूनिट बनाएंगे और कंपनी ने देखो क्या बोला कि ना ये दो यूनिट्स के लिए कितना आर्ट्स लगेगा वो अपने को निकाल के दो तो याद रखना कैलकुल मिडल इज डायरेक्टली नॉट पॉसिबल इज ओनली वन वे फाइंड आउट दी आर्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टिल डेट मतलब अगर ये दो इंक्लूड किया तो बारह यूनिट हो जाएंगे सो फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर ट्वेल्व यूनिट्स और 12 यूनिट्स के लिए अगर आपको टोटल आर्स चाहिए आप लोग ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हो एक्स वाईज इक्वल टू एक्स टू वन तो आपको 12 यूनिट्स का आर्स मिल जाएगा उसके अंदर से आप लोग 10 यूनिट का आर्स जो है वो सब ट्रैक कर लो और 10 यूनिट का आर्स निकालने के लिए भी आपको मेरे ख्याल से यही वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा एस वाईज वन जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो एक्स का वैल्यू विल बी ट्वेल्व क्योंकि यू टू बी फाइंडिंग आउट टोटल फॉर यूनिट्स सेकंड टाइम जब यूज करो इट विल बी ओके बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर यूनिट्स दैट्स इट ओके बस योर दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन अभी तो एक प्रिंसिपल इससे जरा वो रखना तुम लोग बीच वाले दो यूनिट्स का ना डायरेक्टली आर्स नहीं निकाल सकते वैसे आपको बोल रहा हूं अगर मैं हर एक यूनिट को सीरियल नंबर दू तो ये वाले दो यूनिट कौन से यूनिट होंगे बेटा दिस विल बी विलवंथ यूनिट एंड ट्वेल्थ यूनिट अगर आपको बीच वाले कोई दो यूनिट का आर्स निकालने का है या बीच वाले कितने भी यूनिट्स का आपको आर्स निकालने का इन लर्निंग ऑफ इज ओनली वन मेथड एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मेथड फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर द अपर लिमिट ऑफ यूनिट्स बोले तो फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर ट्वेल्व यूनिट्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दर Total hours for lower number of units less 1. So, 11 less 1, how 10. So, therefore, find out total hours for 12 uh, units, subtract from there total hours for 10 units. That is how you are going to be getting the answer. Okay. Do also remember that in learning curve, calculation of hours or cost for some middle units is not possible. The only way to find out total hours for those middle units is to find out uh, total hours for the upper limit and subtract from there total hours for the lower limit less 1. Again does learning curve apply to material cost abhi wala module can that it is not answered okay now honestly material cost in real life uh, sorry uh, honestly to learning curve in real life can apply to material cost also as and when workers will start to become skilled now दे विल way. They will बेटर वे ensure दैट स्क्रैप इज लेस तो ऑटोमेटिकली मेरा मटीरियल कॉस्ट कम होगा लेकिन ये वाला चीज आप लोग तब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट करना जब तक सम के अंदर आप लोगों को नहीं दिया हुआ अप्लाई लर्निंग कव टू मटीरियल कॉस्ट आपके मॉड्यूल के अंदर तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहां पे मटीरियल कॉस्ट को भी लर्निंग कव अप्लाई किया हुआ है तो बाई डिफॉल्ट मत करना लेकिन सम के अंदर बोल दिया फिर कर देना ठीक है It can apply to material cost as with experience. Workers will be able to use the materials more efficiently. Uh, in the problems, okay, there is some word that in the problems. okay, We, we do it only if it is told in the problem.

अच्छा डज लर्निंग कर्व कम टू एन एंड यस इन रियल लाइफ लर्निंग कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर ऐसा नहीं है कि ना जो आर्स वगैरह हैं धीरे 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 कम होते रहेंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं होता बेटा देर विल बी वन स्टेज वेन यू रीच अ परफेक्शन स्टेज और उस परफेक्शन स्टेज पर आके उसके बाद शायद आर्ट्स और कम नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड एज परफेक्शन स्टेज उसके बाद एग्जांपल के तौर पे वर्कर ने एक यूनिट बनाया दो यूनिट बनाया तीन यूनिट बनाया वर्कर ने 150 यूनिट्स यूनिट्स को बना दिया समकिन लिखा हुआ के बाद लर्निंग विल स्टॉप तो यार रखना जितना टाइम वन यूनिट के लिए लगेगा आगे जाके हर एक यूनिट के लिए उतना ही टाइम वो लगने वाला है आर्ट्स विल नॉट फर्दर फॉल इट विल रिमेन सेम पर यूनिट लेकिन ऐसा समकिन दिया होगा कि परफेक्शन स्टेज है तो आप लोग यहां पे इंप्लीमेंट कर देना वरना आप लोग उसको कमेंट्स के तौर पे हमेशा लिख सकते हो ठीक है देर इज अ लिमिट टू लर्निंग एंड वेन द वर्कर्स विल रीच

तो डेसिमल से पहले यहां पर कितने डिजिट्स हैं थ्री जितने भी डिजिट्स होंगे माइनस वन कर देना सो देो टू पॉइंट एंड सी द लॉग ऑफ टू थर्टी नाइन टू थर्टी नाइन का लॉग देखने के लिए आप लोग लॉग टेबल्स में जाओ फर्स्ट कॉलम के ना ट्वेंटी थ्री देखो और हॉरिजॉन्टली आप लोग नाइन देखो ट्वेंटी थ्री का इंटरसेक्शन विद नाइन कुछ ना कुछ फोर डिजिट का नंबर होगा दैट राइट ओवर हियर अच्छा ये वाला जो पार्ट होता है इस कॉल एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ये वाला जो पार्ट होता है दिस कॉल्ड एज मैंटीसा पार्ट कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव ओके यहां पर वो पॉजिटिव है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि नेगेटिव कब हो सकता है लेकिन मैंटीसा पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव मैंने यहां पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव मैंटीसा पार्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ठीक है अच्छा आगे लॉग ऑफ देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है ऑफ दिस uh, उसके बाद लॉग ऑफ लॉग ऑफ थ्री टू सिक्स सेवन एट नाइन एट सुनो मेरी बात यहां पे कितने डिजिट्स हैं बेटा काउंट करने का सर कितने डिजिट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देख लो जरा कि सेवन डिजिट्स हैं कि नहीं ओके okay. जितने भी डिजिट्स होंगे मतलब डेसिमल पॉइंट तो यहां पर है ना सो आई थिंक ऑल दीज डिजिट्स आर बिफोर द डेसिमल पॉइंट

और सेवन के बाद नंबर एट है इफ नंबर इज एट तो पिछला वाला नंबर शुड बी टेकन एज प्लस मतलब यू है लॉक ऑफ थ्री टू सिक्स एंड एट अभी थ्री टू सिक्स एंड एट का लॉग कैसे वो देखने का लॉग टेबल्स में जाओ फर्स्ट कॉलम के ना थर्टी टू देखो फिर उसके बाद वो ऐसे जाओ और सिक्स का जो उधर कॉरस्पॉन्डिंग सेल है वो कर दो और एंड के अंदर वहां पर मेन डिफरेंसिस का लिस्ट होता है वहां पर एट के कॉरस्पॉन्डिंगली जो मेन डिफरेंस है वो उस फोर डिजिट नंबर के अंदर एड कर दो तो अकॉर्डिंगली आप लोग को यहाँ पे लॉग टेबल्स जो है वो मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद लॉग ऑफ थ्री पॉइंट जीरो सिक्स सेवन एट एट तो यहां पर कितने होल नंबर डिजिट्स हैं वन क्योंकि थ्री पॉइंट तो यहां पर दे इज ओली वन डिजिट वन माइनस वन सो आ जाएगा जीरो पॉइंट जब ये जीरो पॉइंट आ जाएगा यू हैव टू सी द लॉग ऑफ थ्री जीरो सिक्स एट दैट्स इट यू हैव टू सी द लॉग ऑफ थ्री जीरो सिक्स एट याद रखना पूरे नंबर का ही लॉग देखने का और मैंने थ्री जीरो बोला बेटा क्योंकि फिफ्थ नंबर ना इस फाइव और मोर तो पिछला नंबर विल बी टेकन एज प्लस वन तो पहले थर्टी का देखो फिर उसके अगेंस्ट सिक्स देखो और फिर एट का मीन डिफरेंस जो है वो ऐड कर देना ठीक है अच्छा उसके बाद लॉग ऑफ जीरो पॉइंट थ्री यहां पे होल नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं कुछ नहीं क्योंकि यहां पे ये जीरो इज एज गुड एज नथिंग तो जितने भी डिजिट्स होंगे माइनस वन करेंगे तो जीरो माइनस वन इज माइनस वन लेकिन आप लोग उसको बार वन लिखोगे क्योंकि ओनली दिस पार्ट इज नेगेटिव और उसके बाद आप लोग थ्री का लॉग देख लेना लेकिन आपको थ्री का लॉग नहीं मिलेगा क्योंकि लॉग टेबल स्टार्ट फ्रॉम टेन तो आप लोग थर्टी का लॉग वो देख लेना ओके थर्टी मतलब थर्टी अगेन जीरो ओके थर्टी इधर और जीरो का जो कॉलम है उसका जो इंटरसेक्शन सेल है ओके वहां पर फोर डिजिट का नंबर आ जाएगा उसके बाद लॉग ऑफ वन वन थ्री पॉइंट फाइव दिन इट वो सिंपल चीज है बट वाई आई हैव टोल्ड यू ऑल ऑल्सो टू बी डूइंग इट ताकि स्टूपेट मिस्टेक वा हो वन वन थ्री सो देो दीज आर थ्री डेज सो देखो टू पॉइंट सी द लॉग ऑफ वन वन थ्री सिक्स जब आप वन वन थ्री सिक्स का लॉग देखोगे तो पहले इलेवन के कॉलम में देखना फिर थ्री के कॉलम के ना देखना वो वाला सेल मिल जाएगा और उसके बाद सिक्स का मीन डिफरेंस ऐड कर देना बीच में एक जीरो आएगा कैलसी के ऊपर कभी कभी वो दिखाई नहीं देता तो प्लीज़ वो वाला भी ज़ीरो इधर लिखना वो वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे हाउ टू यूज एंटी एंटीलॉक टेबल्स एंटी एंटीलॉक टेबल्स के अंदर आप लोग इसका एंटी एंटीलॉग देखते हो हमेशा सिर्फ डेसिमल पार्ट मतलब सिर्फ का ही एंटी एंटीलॉग देखा जाता है तो पहले आप पॉइंट सेवन फाइव फोर का जो एंटी एंटीलॉग है ना वो आप देख लेना तो एंटी एंटीलॉग के टेबल्स में जाने का पॉइंट सिक्स सेवन फिर उसके बाद फाइव उसका जो इंटरसेक्शन सेल है उसके ना फोर का मेन डिफरेंस आप लोग ऐड कर दो ठीक है तो आप लोग फोर डिजिट्स इधर वो लिख लेना उसके बाद क्या करने का बेटा यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है तो जितना भी वैल्यू होएगा ना जितना भी वैल्यू होएगा जितना भी वैल्यू होएगा ठीक है तो यहां पे टू डिजिट है ना तो जितना भी वैल्यू होएगा टू प्लस वन विल गिव यू आ, थ्री तो थ्री डिजिट्स के बाद पुट आगे वाला जो फिगर है एंटीलॉग ऑफ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फाइव फोर सिक्स ठीक है तो क्या करने का पहले आप लोग ना सिर्फ मैंटीसा पार्ट का ही एंटीलॉग देखा करो तो मैंटीसा पार्ट का एंटीलॉग टू फोर एंटीलॉग वो देख लो मैंने फाइव तक वो छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद वाला नंबर फोर था बेटा तो फोर इज लेस देन फाइव दो तो अपना फोर्थ नंबर जो है वो वही रहने वाला है ठीक तो एक सेकेंड हा दे so फोर पहले आप लोग एंटी लॉग देख लेना पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फाइव था उसके बाद फिर आप लोग ये वाला नंबर देखना ये वाला नंबर जीरो है जितना भी होता है प्लस वन करते हैं तो वन डिजिट के बाद पुटा डेसिमल पॉइंट तो जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर आ जाएगा तो डेसिमल पॉइंट का जो पोजीशन uh, है ना डिपेंड्स अपॉन की कैरेक्टर स्टिक पार्ट क्या था ठीक है एंटी लॉग ऑफ फाइव पहले आप लोग 0.56 का ना एंटी लॉग देख लेना वन टू थ्री फोर फोर डिजिट कुछ ना कुछ आ जाएगा उसके बाद ये देखना फाइव फाइव प्लस वन सिक्स तो आपको सिक्स डिजिट्स के बाद पूरा डेसीमल पॉइंट ओके okay. एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट चार डिजिट इफ डिजिट्स आर नॉट इनफ एड जीरोज ऑल्सो

पार्ट पार्टी नेगेटिव है बेटा है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता जो है, वो हमेशा टू प्लस वन अबर अगर प्लस वन एड करने के बाद भी कुछ ना कुछ माइनस बच गया ना तो जितना माइनस बच गया आप क्या करो पहले आप डेसिमल लो उसके बाद आप उतने जीरोस डाल देना तो मेरा माइनस टू था ओरिजिनल उसके प्लस वन एड किया इट बिकेम माइनस वन तो एक ही माइनस बच गया तो आप डेसिमल डालो उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस जीरो ठीक है आगे अच्छा ये एक रूल जरा वो यार ना जब भी आपको कॉस्ट निकालने के लिए वो बोला जाए बाय डिफॉल्ट यू ऑलवेज फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस वी फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्लस इन स्पेशल सिचुएशंस इन स्पेशल सिचुएशंस हम लोगों ने एक्सटर्नल प्राइसिंग के अंदर भी वही किया था बट इफ अ सर्टन ऑफर हैज कम एंड वी आर आज टू कोट द लो एस दैट टाइम यू कैन ट्राई टू फॉलो मार्जिन कॉस्ट प्लस अगर अपने ऐसा वो बोला है वी वॉन्ट टू बी कोटिंग द लीस्ट ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स दैट टाइम यू कैन ट्राई टू फॉलो इन दिस केस मार्जिन कॉस्ट प्लस ठीक है आगे इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज मशीन ओरिएंटेड देन डू नॉट अप्लाई लर्निंग कर्व मशीन्स डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स तो अगर ऐसा दिया हुआ है दिस डिपार्टमेंट इज रन विद हेल्प ऑफ मशीन्स तो दैट टाइम डू नॉट अपलाई लर्निंग कर्व ठीक है ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा कंसेप्ट बेस्ड ओके तुम लोगों ने लर्निंग कर्व के ना जो भी कंसेप्ट बेस्ड काम करके रखा हुआ है ओके दैट इज ऑल डन एक और छोटा सा चीज एक और छोटा सा चीज वो मेरे क्वेश्चन के अंदर आएगा बट आई सी दैट पर्टिकुलर थिंग अगर कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मर्ज विद स्टैंडर्ड विद लर्निंग कर्व तो याद रखना जब आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हो तो उसके लर्निंग कर्व इंप्लीमेंट होना चाहिए